आ तुम पर्चे हो चुका कितने आदमी को जिम्मेदारी उठाई ये लगभग हम लोग दो चार दिन में लगभग 400 आदमियों के लिए ये खातर वितरण करेंगे हम कहाँ का ये अभी तो फिलहाल कोतवाली परिंदों की अनुमति मिली है जो मेरे करेंगे हमारा लगभग 100 आगे भी चलता रहेगा प्रोग्राम आगे कब तक चलेगा क्या नाम है आपका मैं भानु प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष यूनाइटेड टीचर भानु जी क्या कहना चाहते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सरकार इसमें जो हमारे पूरे देश में वैश्विक महामारी फैली हुई है इसमें देश प्रदेश से लेकर शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है उसी क्रम में हमारे जनपद बरेली के प्रशासन भी पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगा हुआ है जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है उसी क्रम में जो हमारे प्रशासन ने अपील करी थी कि जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद अधिक से अधिक की जाए तो उसी कितने पैकेट बांटने का जिम्मेदारी उठाई आपने हमने लगभग ये 25 क्विंटल खाद्य सामग्री हम लोग बांटेंगे क्या क्या बांट रहे हैं इसमें हमें आटा है दाल है चावल है तेल है आलू है हल्दी मिर्च नमक सर ये थाने बाज बैठ रहे हैं एरी बाज बैठ रहे हैं ये अभी तो हमें दो थाने परमिशन मिली है जतनगर प्रेमनगर और कोतवाली की दो थाने परमिशन आज मिल जाएगी तो जतनगर बारादरी थाने में इन चार क्षेत्रों में हम वितरण करेंगे इसका और सर जो लोग जो बाहर घूम रहे हैं इनके लिए क्या कहना चाहते हैं हाँ इनके लिए ये है कि हमारे कहना ये है कि जो हमारे मोदी जी माननीय मोदी जी ने जो अपील की है कि हम लोग घर के अंदर ही रहना है घर के अंदर ही रहेंगे तभी सुरक्षित है अन्यथा ये जो विषम परिस्थिति है इसमें हमें हम सबको मिलजुल कर काम करना है और आगे भी हम अपील यही करेंगे कि घर में रहें अधिक से अधिक और खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें बहुत बड़ी मुनी में आपकी कितने लोग हैं आपके साथ अभी हम लोग दो लोग हैं और हमारा पुलिस प्रशासन साथ में है प्रेमा थाने का वही बहुत बधाई के पात्र है हमें बराबर सहयोग कर रहा है और आगे भी सहयोग उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और अभी हम लोग इधर ये रामजानी मंदिर के पास कुछ बिहारी लोग हैं रिक्शा पोलर उनको बांटने जा रहे हैं हम लोग कुछ अभी यहाँ भी आ गए उनको भी वितरित कर दिया गया